माफिया मुख्तार अंसारी के जनाजे में लाखों की भीड़ उमड़ पड़ी है, जिसमें लोगों को संभालना पुलिस प्रशासन के लिए भी मुश्किल हो रहा है। मुख्तार के जनाजे में सपा के नेता अंबिका चौधरी भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा, जिस तरह से लाखों की आंखों में आंसू और मातम है, उसे बयां करना आसान नहीं है। जो इस पर राजनीति कर रहे हैं, उससे ओछी कोई बात नहीं हो सकती। सपा नेता अंबिका चौधरी ने कहा कि मुख्तार अंसारी तमाम मजलूमों और गरीबों का सहारा थे। हम उनके साथ शामिल होने आए हैं और उनकी मिट्टी में शामिल होंगे। आज की तारीख में जो लोग भी इसमें राजनीति की बात कर रहे हैं, इससे गठिया और ओछी कोई बात नहीं हो सकती। आज गरीबों का एक मसीहा इस गली से जा रहा है। सपा नेता ने कहा, मुख्तार अंसारी को लेकर जो चाहे जैसे समीक्षा कर सकते हैं, लेकिन आज लाखों लोगों की आंखों के आंसू और लोगों के चेहरे पर मायूसी ये बता रही है कि मुख्तार अंसारी उनके लिए क्या थे। इस दौरान अंबिका चौधरी भी काफी मायूस दिखाई दिए। मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार मुखर होकर बोल रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत कई नेताओं ने इसे लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा और इसे लोकतंत्र का शून्यकाल तक बता दिया। वहीं सपा नेता शिवपाल यादव ने कहा कि मुख्तार अंसारी के साथ उनके पारिवारिक रिश्ते थे, उनकी मौत संदेह के घेरे में है। कोर्ट को स्वतः मामले को संज्ञान में लेकर जांच करनी चाहिए।